साथियों, कोरोना महामारी से फैले अंधकार के बीच हमें निरंतर प्रकाश की ओर जाना है। जो इस कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित है, हमारे गरीब भाई बहन, उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निराशा से आशा की तरफ ले जाना है। इस कोरोना संकट से जो अंधकार और अनिश्चितता पैदा हुई है, उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चितता की तरफ बढ़ना है। इस अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है और इसलिए इस संडे 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे घोषणा करी सकिए। आवश्यक सुरक्षा उपकरण को व्यवस्था सहित 25 लाख बराबर को बीमा को व्यवस्था पनि सरकारले तपाईहरुको समग्र सुरक्षाका लागि गरेको छ। चिकित्सक टिमसँगै अग्रभागमा रही काम गरिरहेका सबै सुरक्षा निकायका सम्बन्धित व्यक्तिहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, ड्राइभर, हेल्पर, सफाई कर्मचारी लगायत कोरोना भाइरसका विरुद्धको उपचारमा संलग्न सबै श्रमिकहरूको भूमिका चिकित्सकीय टिमका सदस्य सरह नै महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा सोही सरह भत्ता बिमा सहित सरकारले तपाईँहरूको समग्र सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्नेछ। यस अभियानमा परिचालन हुने समुदायमा काम गर्ने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूलाई रु 1500 भत्ताको थप व्यवस्था गरिएको छ। गत चैत्र 7 गतेको सम्बोधनमा मैले यस महामारीसँग जुझ्नका लागि हाम्रो आफ्नै व्यवहार र दैनिकीमा परिवर्तन गर्न आग्रह गरेको थिएँ। Okay. Thank you, sir. I appreciate that. Mr. President, first, did you have a chance? We do get orders for a lot more than sometimes we think an area needs. Generally speaking, we like to either negotiate that down or give it to them as they want. So we've had a lot of orders that we think are high, but we generally like, if we have it, if we have, for instance, with the medicines and with other things, we like to give it to them. Every day we're building up and building it up very rapidly and deploying it. But we do get orders from some of these states where we don't think they need it. We try and get it for them what they want anyway. Okay, go ahead. You mentioned the Prime Minister off the top. Any chance to speak to him today, sir? I didn't speak to him, no. I did get a call from the ambassador. And, hey, it's a big move going to the hospital. That's a big thing. He's a great gentleman, so I just hope he's okay. And also, you mentioned the nurses, the doctors, the people that you see celebrating. The people that are gearing up and getting ready, the people that are applauding and celebrating him. Has there been any talk on any level whatsoever of some sort of either compensation?